द्वारा आज पुलिस थाने पर ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मामला है? जी, ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि अभी कुछ दिन पूर्व एक कंटेनर लॉकडाउन में पकड़ाया था जिसमें 53 गोवंश भरे हुए थे और उसको पकड़ के पुलिस के सहयोग से हमने गौशाला में रख दिया था। तो गौशाला वाले इसको क्या 10,000 रुपये में बेच रहे हैं, वो बेचे उससे वो हमको कोई मतलब नहीं। भाई, किसान को जाना चाहिए, किसान अगर लेता हो तो, लेकिन इसके अंदर जो 10,000 रुपये की रसीद बनाकर गुप्त दान लिखा जा रहा है, तो उस पैसे का ना तो आज तक कोई हिसाब दिया, और उस गौशाला में इतनी अव्यवस्था है कि ना वहाँ तो चारा है खाने के लिए, ना पशुओं के लिए पानी है। उसके बाद में भी जो लूले लंगड़े पशु हो जाते हैं उनको गौशाला के बाहर फेंक देते हैं, और वहाँ के जो सचिव है सत्यनारायण गोयल, वो आए दिन दादागिरी बताते हैं कि गौशाला किसी के बाप की नहीं है, तो इसमें जो मैं करूँगा वही होगा। तो हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि गौशाला की स्थिति सुधारे एवं जो रसीद से जो पैसे लिए गए हैं उन पैसों का सही उपयोग करें, और SDM साहब से हमने आग्रह करा है कि वो जो भी राशि आई है उसको अपने अंडर में कर और वहाँ की व्यवस्थाएँ सुधारें। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है। पिछले 3 वर्षों से आप गौशाला की कार्यकारिणी को भंग करने की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है? इतना समय बीत गया लेकिन अभी कार्यकारिणी भंग नहीं हो पा रही। इसके कारण कहीं ना कहीं सफेदपोश जो नेता हैं उनके कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसके कारण थोड़ा सा ये विलंब हो रहा है। लेकिन अब बजरंग दल का जो बांध था वो टूट गया है और आने वाले समय में उग्र आंदोलन की बजरंग दल तैयारी कर रहा है।